बिहार के मुजफ्फरपुर में लापरवाही की शिकायत सामने आई, जिसके चलते लोगों को अपनी आंखों से हाथ धोना पड़ा। मुजफ्फरपुर में हुए मोतियाबिंद कांड में बीते 3 दिनों से जांच चल रही है, लेकिन अभी भी सभी लोगों का आंकड़ा नहीं मिल पाया। जैसा कि बताया जा रहा है कि कुल 15 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इन लोगों की हालत ज्यादा गंभीर हो गई, इसलिए इनकी आंखें निकालनी पड़ी। आपको बता दें कि बीते 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कुल 65 लोगों का हुआ था, जिसके बाद 15 लोगों की रोशनी चली गई। और 29 नवंबर को कुछ पीड़ित मरीजों के परिजनों ने हॉस्पिटल में आकर हंगामा कर दिया और मीडिया में मामला सामने आया। इसके चलते विधानसभा में हंगामा हुआ। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने एसोसिएट चीफ मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में जांच की टीम का गठन किया। 3 दिनों में जांच की रिपोर्ट सामने देने का निर्देश जारी किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए SKMCH यानी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनके इलाज की व्यवस्था की गई। फिलहाल अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता। डॉक्टरों के मुताबिक अभी कुल 14 लोग भर्ती हुए हैं, उसमें से 11 मरीज संक्रमित हैं। आपको बता दें, इतना सब होने के बाद विपक्ष ने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी आंखों से हाथ धोना पड़ा। और ये भी कहा कि मरीजों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए, जिसकी वजह से कितने परिवार खराब हो गए। अब आगे देखना यह होगा कि बिहार सरकार क्या कदम उठाती है और मरीजों के परिवारों को मुआवजा देती है या नहीं। अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइंस लाइव न्यूज़।